राजगढ़ एसएचओ विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या से जुड़ा मामला मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक इसके तहत हुई। विश्नोई समाज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस दौरान चर्चा हुई। अगले दो दिनों में सीबीआई जांच पर जो फैसला है वो आने वाला है। समाज के प्रतिनिधियों ने दो दिन का समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांगा। मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक हुई। विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या का जो प्रकरण था उसी संदर्भ में विश्नोई समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में बैठक की। अहम बैठक इसे माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगले दो दिन का समय मुख्यमंत्री ने मांगा है सीबीआई जांच के लिए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता पिंटू सिंह नरू का फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, एक अहम बैठक रही विश्नोई समाज के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री के बीच में, दो दिन का समय बताया जा रहा है जो मांगा है मुख्यमंत्री ने, क्या रहा इस पूरी बैठक का सार? देखिए जैसी जो चूरू के राजगढ़ में जो थाना प्रभारी थे विष्णुदत्त, उनकी आत्महत्या मामले को लेकर लगातार उनके परिजन और उनके समाज के लोग ये मांग कर रहे थे कि इस मामले की सीबीआई से जांच की जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। लगातार विपक्ष भी इस मांग को उठा रहा था, सीएम को तमाम पत्र लिख रहे थे, लेकिन आज जो विष्णोई समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम अशोक गहलोत से चेंबर में मुलाकात की और सीबीआई जांच की मांग की। काफी देर तक सीएम अशोक गहलोत के साथ विष्णोई समाज के लोगों ने चर्चा की और उन्होंने कहा कि समाज चाहता है कि इसकी सीबीआई से जांच हो ताकि जो भी मामला है वो सच्चाई है वो सामने आ सके। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने जो विष्णोई समाज के प्रतिनिधि हैं उनको आश्वासन दिया कि पूरा न्याय दिलाया जाएगा, साथ ही जो सीबीआई की जांच है उस पर दो दिन के अंदर फैसला किया जाएगा। तो माना जा रहा है कि सीबीआई जांच को लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पैरवी कर सकती है और जांच की अनुशंसा कर सकती है सीबीआई को लेकर। और इस दौरान जो बैठक हुई इसके बाद में जो मंत्री हैं वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई, वो विश्नोई समाज से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें राजस्थान सरकार की जो एजेंसी है जांच एजेंसी उस पर पूरा विश्वास है, लेकिन समाज सीबीआई जांच चाहता है। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत ने आश्वस्त किया है और दो दिन बाद में सीबीआई जांच पर फैसला हो सकता है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया पिंटू।